unemployment in the classical model. In the classical model, there is no unemployment. People who are not working are voluntarily not in the labor force. So अब जानते हैं classical model में तो markets clear हो जाती हैं, तो मार्केट्स instantly clear हो जाती हैं, labour market भी clear हो जाती हैं और बाकी सब भी markets. So labour market clear है, इसका मतलब यही कि demand और supply बराबर है. तो जो भी आदमी काम करना चाहता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वो उसे काम मिल रहा है सो तो अगर किसी को काम नहीं मिल रहा तो इनफैक्ट ही और शी इज़ वॉल्टरिली नॉट इन द लेबर फोर्स ट्रैक्स बाई इज़ नॉट गेटिंग जॉब जबकि इन रियल वर्ल्ड होता है क्या है कि मेयर्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नेवर जीरो अनएम्प्लॉमेंट तो बहुत सीरियस इशू है इकानमिस्टों के लिए रिसेशन में अनएम्प्लॉमेंट में इजाफा होता है और वो उसके बहुत सारे सोशल और पोलिटिकल और इकनॉमिक और बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रिसेशन दैट कंसर्नस पॉलिसी मेकरस द मोस्ट सो ये नहीं है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस के बारे में अन अवेयर हैं कि अनएम्प्लॉमेंट का इशू क्या है और उस उससे कम क्या मसाइल पैदा होते हैं एंड इन फैक्ट क्लासिकल इकानमिस्ट है मोर सोफिसटिकेटेड वर्जन ऑफ द मॉडल टू अकाउंट फॉर अनएम्प्लॉमेंट तो उन्होंने अनएम्प्लॉमेंट को वो किस तरह से देख दें देव अ मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन वो ये कहते हैं कि वर्कर्स एंड जॉब्स रिक्वायरमेंट्स सो देर इज अ मैचिंग प्रॉब्लम कि वो जो हम आदम्शन लेते हैं कि तमाम वर्कर्स एक जैसे हैं और तमाम जॉब्स एक जैसी हैं वो कहते हैं ये आदम्शन दुरुस्त नहीं है एक्चुअली वर्कर्स भी अपनी अबिलिटी के अतबार से स्किल्स के अतबार से और अपनी बाकी प्रेफरेंसिस के अतबार से वो डिफरेंट होते हैं और जॉब्स की, की भी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है सो so, ये इनफैक्ट एक मैचिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है किसी को जॉब देना ही एक मैचिंग प्रोसेस है कि जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है उसी तरह की वो वर्कर्स के पास भी उसकी स्किल्स हों तो एक्चुअली ये जो मैचिंग प्रोसेस है इट टेक्स टाइम ये वो इसको इस तरह से देखते हैं सो इट टेक्स टाइम टू मैच वर्कर टू जॉब सो देर इज़ ऑलवेज सम अनइम्प्लमेंट तो जो अनएम्प्लॉमेंट वो कहते हैं होती है वो इनफेक्ट इस वजह से होती है कि ये जो मैचिंग प्रोसेस में टाइम लगता है इसके दौरान लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉमेंट होते अनएम्प्लॉयड है, होते हैं ओके सो अनइम्प्लॉयमेंट राइजेस इन रिसेशन बिकॉज प्रोडक्टिविटी शॉक्स काज इंक्रीज मिसमैच बिटवीन वर्कर्स एंड जॉब्स कि जब रिसेशन आता है और आर के मुताबिक रिसेशन इसलिए आता है कि प्रोडक्टिविटी शॉक है ठीक है तो उस प्रोडक्टिविटी शॉक की वजह से ये जो मिस मैच है वो उसमें उसमें इजाफा हो जाता है ठीक है कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रो कर रही होती हैं कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो एलिमिनेट हो रही होती हैं तो वो ये उस तो उनकी फिर जॉब्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होती हैं और वर्कर्स की जो स्किल्स होती हैं वो समाइम्स उसके साथ जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है उसके साथ वो मैच नहीं कर रही होती तो वो इसको इस नज़र से देखते हैं कि अनएम्प्लॉमेंट राइज़ uh, करती है रिसेशन में इसलिए कि उस शॉक की वजह से ये मिस मैच इंक्रीज हो जाता है अ शॉक डैट इंक्रीज मिस मैचिंग रेजिज़ फ्रिक्शनल अनएप्लॉयमेंट एंड मे आल्सो कास्ट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉमेंट इफ़ द टाइप्स ऑफ स्किल्स नीडेड बाई इम्प्लॉयर्स चेंजेस तो इम्प्लॉमेंट्स को जब हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी ठीक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और इसी तरह से और सिक्लिकल अनएम्प्लॉमेंट तो ये वो ये कहते हैं कि इस अरसे में जो अनएम्प्लॉयड है एक तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉमेंट है इस सेंस में कि लोग एक बेहतर जॉब की तलाश में और बेहतर मैचिंग प्रोसेस की वजह से दे आ टेम्पोरेली अन्प्लॉयड ठीक है और सेकेंडली ये कि इस प्रोडक्टिविटी शॉक्स की वजह से जो स्केल्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो वर्कर्स को अब अपने आप को रिस्केल करना होगा जो नई ज़रूरिया है उसके मुताबिक उन्हें अपने आप को एजुकेट या ट्रेन या रिस्केल करना होगा तो इस वजह से ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉमेंट हो सकती है या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉमेंट हो सकती है जो इस रिसेशन में जिसमें इजाफ़ा हो रहा है सो द शॉक्स कॉज काज इज द ने नैचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू राइज नैचुरल रेट को आपको याद होगा हमने डिफाइन किया था कि नेचुरल रेट किसे कहते हैं प्रिक्शनल और स्ट्रक्चुरल अनएम्प्लॉयमेंट के मजमुए को नैचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं तो इनके ख्याल के मुताबिक क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है या ये प्रिक्शनल होगी या स्ट्रक्चुरल होगी सो देर विल भी ओनली नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी रेट होगी उसमें चेंज आएगी देयर इज स्टिल नो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल मॉडल ठीक है कि जो सिक्लिकल अन्प्लॉयमेंट है जो केंस कहता था कि डेफिशेंसी ऑफ डिमेंड की वजह से रिसेशन में होती है ये कहते हैं कि नहीं अनएम्प्लॉमेंट सिक्लिकल नहीं होगी ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफे की वजह से कुछ लोग बेरोजगार होंगे सो मैनी वर्कर्स आर लेड ऑफ द वर्कर्स मैच थ्यूरी कैन नाट एक्सप्लेन आलमेट एम्प्लयमेंट कि ये जो मैच थ्योरी उनकी है कि जी इसलिए अनइम्प्लॉयड है कि वो मिस मैच कर रहे हैं तो जो एम्पेरिकल डाटा फैक्ट्स है वो जितनी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो उसकी एक रीज़न तो हो सकती है लेकिन बहरहाल कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्यों मैनी वर्कर्स आर लेड ऑफ टेम्पोरेली देर इज नो मिस मैच सिंपली वेट अंटल दे आर कार्ड बैग बाई देर ओल्ड फॉर्म्स के क्योंकि डिमांड नहीं है और उनको ज़रूरत नहीं है तो वो उनको अगर ले ऑफ कर देते हैं वर्कर्स को तो ये इसे मिस मैच नहीं कहा जा सकता वो तो सिंपली वेट कर रहे हैं कि दोबारा डिमांड पैदा हो और दोबारा उसको वो कॉल करें तो उसी जॉब पे दोबारा आ जाए तो वो मिस मैच तो इसे नहीं कहेंगे हम इफ रिसेशन्स वर टाइम्स ऑफ इंक्रीज मिस मैच दे शुड बी राइज इन हेल्प वॉन्ट एड्स इन रिसेशन बट इन दे फॉल तो अगर ये इस थ्योरी को मान लिया जाए कि मिस मैच की वजह से है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ लोग बेरोज़गार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ फॉर्म्स को भी तो नए लोगों की ज़रूरत होगी ना तो फॉर्म्स की जो एड्स हैं वैकेंसी की और हेल्प वांटेड एड्स हैं उनमें भी इजाफा होना चाहिए लेकिन इनफेक्ट तो रिसेशन में ऐसा नहीं होता ठीक है कि उन जो वैकेंसी एड और इनमें तो इजाफा नहीं होता इसलिए इसे मिसमैच नहीं कहा जा सकता सो so, कैन द गवर्नमेंट यूज़ फिजिकल पॉलिसी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉमेंट तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए डोइंग सो डजेंट इम्प्रूव द mismatch प्रॉब्लम तो क्लासिकल तो दर इस फेवर में नहीं है कि फिजिकल पॉलिसी को यूज़ किया जाए वो कहते हैं कि अगर फिजिकल पॉलिसी यूज़ करके एग्रीगेट डिमांड में इजाफ़ा किया जाएगा और आउटपुट को बढ़ाया जाएगा तो ये मिसमैच का जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का तो उसको तो ये एड्रेस नहीं करेगा गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग में इजाफे से जो डिमांड बढ़ेगी वो मिसमैच को तो कैसे एड्रेस करेगी सो अ बेटर अप्रोच इज़ टू एलिमिनेट बैरियर्स टू लेबर मार्केट एडजस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग बर्डन सम रेगुलेशन ऑन बिजनेसिस आर बाई गेटिंग रेड ऑफ द मिनिमंगवेज तो वो ये कहते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को अगर उसको एड्रेस करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए रूल्स रेगुलेशन वो जिससे बिजनेस को फैसिलिटेट किया जा सके ताकि बिज़नेस फ्लोरिश करे ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के मौाक़े पैदा हो ये किया जाए या समटाइम्स जो गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स कर देती है तो मिनिमम वेज भी तो जाहिर है जो आ, आ, लो स्केल वाले वर्कर्स होते हैं अब उनको वो अनएम्प्लॉयड कर देती है तो वो वो एक्चुअली इस बात के फेवर में है तो कि गवर्नमेंट्स को ये स्टेप्स लेने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए और समटाइम्स ये भी देखा गया इकोनॉमिक हिस्ट्री में के रिसेशंस के बाद जब रिकवरी होती है तो उनको वो जॉबलेस रिकवरीज यानी आफ्टर सम रिसेशन एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू डिक्लाइन ड्यूरिंग द रिकवरी रिकवरी हो रही है लेकिन जो है एम्प्लॉयमेंट uh, में इजाफ़ा नहीं हो रहा है उसमें कमी हो रही है सो द रिकवरीज हैव कम टू बी नोन एज जॉबलेस रिकवरीज यानी रिसेशन के बाद रिकवरी स्टार्ट हो गई है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए लेकिन ऐसे भी रिसेशन आए हैं जिसमें रिकवरी स्टार्ट हो गई लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी तो इसकी भी डिफरेंट वो रीज़न्स सामने आई हैं कि एक्चुअली उसमें लेबर प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाता है जब रिसेश... जब रिकवरी स्टार्ट होती है तो डिमांड में भी इरेटिक्स इसमें चेंजेस होती हैं तो इसकी वजह से फॉर्म जो हैं वो नए वर्कर्स को हायर नहीं करती तो और लेबर प्रोडक्टिविटी में एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर में इजाफे की वजह से वो यानी रिकवरी हो रही है लेकिन उसके नतीजे में जॉब्स पैदा नहीं हो रही लेकिन बहरहाल मेनली जब भी रिसशन आते हैं तो रिसेशन के बाद देर इज अ शॉर्प इन एम्प्लॉयमेंट एज सुन एज द रिसेशन एंडेड ओके थैंक यू वेरी मच